नमस्कार। गुजरात मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है। गुजरात के लिए प्रलय स्थिति सामने आ रहा है। बड़े बड़े मंत्रियों के नाम इस लिस्ट से गायब नजर आ रहे हैं और 16 मंत्रियों ने यहां पर शपथ ली है। तो किन मंत्रियों को जगह मिली है, किसे कौन सा मंत्रालय मिला है और यहां पर पूरी लिस्ट यहां पर सामने आ चुकी है। और अगर बात की जाए तो एक बार फिर से गुजरात में भूपेंद्र सरकार बन चुकी है। बीजेपी ने एक बड़ी लहर के साथ सरकार बना ली और यहां पर मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है। लगातार 7वीं बार बीजेपी ने गुजरात में सरकार बना ली है और दूसरी बार गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने यहां पर सीएम के तौर पर शपथ ग्रहण कर ली है। तो यहां पर 16 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। उसमें अगर बात की जाए तो किस यहां पर रीजन से कितने मंत्री बनाए गए हैं, इसके भी आंकड़े सामने आ चुके हैं। इसके बाद आपको पूरी लिस्ट यहां पर दिखाने वाले हैं। सौराष्ट्र से सबसे ज्यादा मंत्री बनाए गए हैं। सौराष्ट्र कच्छ से 5 मंत्रियों ने शपथ ली है। दक्षिण गुजरात से भी 5 मंत्रियों ने शपथ ली है। उत्तर गुजरात से 4 और मध्य गुजरात से 3 यहां पर जो है यहां पर मंत्रियों ने शपथ ली है। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो यहां पर 16 मंत्रियों के जो नाम आ रहे हैं सामने, इसके अलावा मंत्रियों का जातीय समीकरण भी सामने आ चुका है। सवर्ण से 7 मंत्रियों ने यहां पर शपथ ग्रहण की है, जिसमें पाटीदार यहां पर समुदाय से 4, क्षत्रिय समुदाय से 1, ब्राह्मण समुदाय से 1 और जैन समुदाय से एक एक मंत्री ने शपथ ग्रहण किया है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं पाटीदार जो समुदाय उससे सबसे ज्यादा 4 मंत्रियों ने शपथ ली है, जिसमें सीएम यहां पर जो है भूपेंद्र पटेल भी आते हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो ओबीसी समुदाय से भी यहां पर 3 कोहली समुदाय से यहां पर जो है मंत्री बनाए गए हैं। अरिज से 1, ठाकुर से 1 और अन्य ओबीसी वर्ग से 2 मंत्रियों ने यहां पर शपथ ग्रहण की है, जिन 16 मंत्रियों के नाम सामने आ रहे हैं। इसमें अगर बात की जाए तो एससी वर्ग से भी 1 यहां पर जो है मंत्री ने शपथ ली है, जबकि यहां पर एसटी वर्ग से 2 आदिवासी जो यहां पर मंत्री हैं उन्हों को यहां पर मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। अगर बात की जाए 16 मंत्रियों में जो नाम सामने रहे, इसमें एकमात्र महिला यहां पर कैबिनेट में जगह मिली है। इसके अगर बात की जाए तो भूपेंद्र पटेल ने सीएम के तौर पर दूसरी बार शपथ ग्रहण की है, जबकि कनु भाई देसाई को यहां पर कैबिनेट में जगह दी गई है। कैबिनेट मंत्री उनको बनाया गया है। ऋषिकेश पटेल को भी कैबिनेट मंत्री दर्जा दिया गया। राघव जी पटेल को भी यहां पर जो है मंत्री बनाया गया, जबकि बलवंत सिंह राजपूत यहां पर, मुल्लू भाई बेरा, कुबेर डंडोर, भानुबेन बवरिया को यहां पर मंत्री। तो एकमात्र महिला जो यहां पर कैबिनेट में जगह मिली है, भानुबेन बवरिया को जगह मिली है। हर्ष सांघवी, जगदीश पांचाल को यहां पर कैबिनेट मंत्री बनाया गया, जबकि परसोत्तम सोलंकी को यहां पर राज्य मंत्री बनाया गया। यहाँ पर बच्चू भाई खबर को भी यहाँ पर राज्य मंत्री बनाया गया। मुकेश पटेल यहाँ पर, प्रफुल्ल परसोड़िया को भी यहाँ पर जो है राज्य मंत्री बनाया गया है। भीकू सिंह परमार को भी यहाँ पर राज्य मंत्री और कुंवर जी हलपति को भी यहाँ पर जो है राज्य मंत्री का दर्जा दिया है। इस तरह से अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, इसको कहीं ना कहीं जो तरह से नाम आ रहे हैं, कुछ नाम यहाँ पर बड़े उलटफेर के सामने आए, कुछ बड़े नामों की संभावनाएं लगाई जा रही कि इनको मंत्री बनाया जा सकता है, तो कुछ यहाँ पर जो है पुराने नामों पर भी सहमति बनी। इस तरह से बड़ा उलटफेर के साथ 16 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की है और ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं 20 से 25 यहाँ पर नए मंत्री शपथ ग्रहण कर सकते हैं। तो नए मंत्रिमंडल में 16 यहाँ पर मंत्री बनाए गए हैं। तो आपको क्या लगता है, आप राय रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय भारत।